गुड मॉर्निंग बच्चों, द होमकमिंग पढ़ रहे थे। हाँ फतीक जो कि बहुत शैतान लड़का था, उसका मामा उसे अपने साथ कलकत्ता ले आता है, लेकिन उसकी मामी उसे देखकर खुश नहीं होती। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी कुछ जनरल चीज़ें बताते हैं जो एक 14 साल के लड़के को अनुभव होती हैं। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विद इनडिसेंट हेस्ट। वो अपने कपड़ों से बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ने लगता है, यानी उसके कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स। उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। एंड ब्रेक्स एंड क्वेरर्स। आवाज़ ब्रेक करती है, कांपने लगती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली। उसका फेस एंगुलर हो जाता है, यानी उस समय जब लंबाई बढ़ रही होती है बच्चे बहुत पतले हो जाते हैं, और अनसाइटली यानी अगली हो लगने लगते हैं, दिखने में अच्छे नहीं लगते। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि बचपन में छोटे बच्चे की गलतियों को, शॉर्ट कमिंग्स को माफ़ करना बहुत आसान होता है, बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेज इन ए बॉय ऑफ 14। लेकिन 14 साल के लड़के की छोटी छोटी गलतियाँ माफ़ करना भी मुश्किल लगता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। 14 साल का लड़का खुद बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। When he talks with elderly people, he is either unduly forward or also unduly shy that he appears ashamed of his very existence. जब वो बड़ों से बात करता है, या तो उसे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड कर दिया जाता है, यानी वो बहुत ज़्यादा बोल जाता है, या फिर इतना ज़्यादा शर्मा जाता है कि उसे अपने अस्तित्व पर ही शर्म आने लगती है। Yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most crave for recognition. लेकिन इस एज में, 14 साल की एज में एक लड़का बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है उसे रिकॉग्निशन की, यानी पहचान की। वो भी चाहता है कि उसे पहचान मिले, लोग उसे समझें, उससे बात करें, एंड लव, और उसे भी प्यार चाहिए होता है। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन हु शोज़ हिम कंसिड्रेशन। और अगर कोई भी उसे थोड़ा सा भी कंसिड्रेशन, यानी थोड़ा सा भी प्यार स्नेह दिखाता है, वो उसका एक तरह से डिवोटेड स्लेव, उसका दास बन जाता है। जो वो कहता है वो उसके लिए करने के लिए तैयार रहता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम। लेकिन कोई भी खुले तौर पर 14 साल के लड़के से प्यार करने की हिम्मत नहीं करता, यानी उसे ज़्यादा प्यार नहीं दिखाया जाता, वरना वो बिगड़ जाता है। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडलजेंस। क्योंकि इसे अनड्यू इंडलजेंस कहा जाएगा, अनुचित आसक्ति कहा जाता है। एंड देयर फोर बैड फॉर द बॉय। और ये लड़के के लिए बुरा होता है। सो वाट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर। तो 14 साल की एज में बच्चे की हालत ऐसी हो जाती है, हमेशा उसे स्कोल्ड किया जाता है, डांटा जाता है, फटकारा जाता है। उसकी हालत एक कुत्ते की जैसी हो जाती है, स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ते की जैसी हो जाती है जिसने अपने मास्टर को खो दिया है, यानी हर जगह उसे धुतकार मिलती है। फॉर ए बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज। एक 14 साल के बच्चे के लिए उसका अपना घर ही एकमात्र स्वर्ग होता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर। एक अजनबी घर में अजनबियों के साथ रहना किसी टॉर्चर से, किसी प्रताड़ना से कम नहीं होता। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमन एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम। और हाइट ऑफ ब्लिस होती है, यानी बहुत ही आनंददायक चीज़ होती है, एक तरह से वरदान होता है अगर औरतें उसे काइंडली देखती हैं, यानी जो उसकी मामी है अगर थोड़ा भी उसकी तरफ प्यार से देख लेती है तो वो बहुत खुश हो जाता है, और अगर कोई भी उसका अपमान नहीं करता तो उसके लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, वरदान के जैसा होता है। इट वॉज एंग्विश टू फतीक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस। लेकिन फतीक के लिए ये बहुत बुरा था कि वो अपनी मामी के घर में एक अनवेलकम गेस्ट था जिसका कोई स्वागत नहीं करता था। Despised by this elderly woman, उसकी मामी उससे नफरत करती थी। एंड slighted on every occasion, और हर अवसर पर उसका अपमान करती थी। If she ever asked him to do anything
फॉर हर, और अगर कभी वो उससे कुछ काम के लिए कहती थी, ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट ही वुड ओवरडू इट, तो वो इतना खुश होता था कि उस काम को ज़्यादा कर देता था, यानी काम बिगड़ जाता था। एंड देन शी वुड टेल हिम नोट टू बी सो स्टूपिड, और फिर वो उससे कहती थी कि इतने बेवकूफ़ मत बनो, बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन, इससे अच्छा अपनी पढ़ाई करो। द क्रैम्प्ड एटमोसफेयर ऑफ नेगलेक्ट इन हिज आंट्स हाउस ऑप्रेस्ड फतीक, आंट के घर का जो एटमोसफेयर था, वातावरण था, वो नेगलेक्ट वाला था, उसकी पूरी तरह से उपेक्षा होती थी, और ये वातावरण उसे बहुत ज़्यादा क्रैम्प, बहुत ज़्यादा तंग करने लगा था, उसे बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड फील हो रहा था, फतीक को घुटन महसूस हो रही थी, सो मच दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीद, ऐसे लग रहा था जैसे वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसका वहाँ पर दम घुटने लगा था। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीद फ्रीली, वो खुले गांव में जाना चाहता था और अपने लंग्स में हवा भरना चाहता था, आज़ादी के साथ सांस लेना चाहता था। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहाँ पर कोई खुला मैदान नहीं था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाई कैलकटाज हाउसेज एंड वॉल्स, चारों तरफ कलकत्ता के बड़े बड़े घर और दीवारें थीं। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम एंड लॉन्ग टू बी बैक होम, वो हर रात अपने गाँव के सपने देखता था और उसका मन अब घर जाने के लिए करने लगा था, उसे अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मिडो वेयर ही यूज़ टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, उसे अपने गाँव का वो शानदार चरागाह याद आता था जहाँ पर वो पूरा दिन पतंग उड़ाता था। द ब्रॉड रिवर बैंक, वो चौड़ा नदी का किनारा याद आता था। वेयर ही वुड वंडर अबाउट द लाइव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, जहाँ वो पूरे दिन गाते हुए चिल्लाते हुए बिता देता था। द नैरो ब्रूक वेयर ही कुड गो एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक्ड, उसे अपने गाँव का वो छोटा सा झरना भी याद आता था जहाँ पर वो जाता था, डाइव मारता था और किसी भी समय जाकर तैर सकता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉयज़ कंपेनियंस ओवर हुम ही वॉज डिस्पोट, उसे अपने गाँव के साथी याद आए जिनके लिए वो डिस्पोट के जैसा था, यानी उनका सरदार था। एंड अबोव ऑल द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, और इनसे भी ज़्यादा उसे अपनी माँ की याद आने लगी थी, उसकी माँ जो कि उसे उस समय टायरेंट लगती थी, तानाशाह लगती थी, हु हैड सच ए प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, जिसके मन में प्रतीक के लिए पूर्वाग्रह था, लेकिन उस माँ की उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, वो रात दिन अपनी माँ के बारे में, अपने गाँव के बारे में सोचता था। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन हु इज लव्ड, एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, उसे एक तरह का फिजिकल लव की इच्छा होने लगी थी, यानी जानवरों की जैसे एक गाय का बच्चा अपनी माँ के साथ रहना चाहता, इस तरह उसे भी अपनी माँ की याद आने लगी थी। ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन हु इज लव्ड, वो भी चाहता था कि उसकी माँ उसके आसपास रहे। एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एबसेंस, जब कोई एबसेंट होता है, यानी जब कोई हमारे सामने नहीं रहता, तब उसकी प्रेजेंस की ज़्यादा इच्छा होती है। ए साइलेंट क्राई ऑफ द इन मोस्ट हार्ट फॉर द मदर, अपनी माँ के लिए उसका दिल अंदर से बहुत ज़्यादा क्राई करता था, यानी वो अपनी माँ को इस समय हद से ज़्यादा मिस कर रहा था। लाइक द लोइंग ऑफ ए काफ इन द ट्विलाइट, जैसे बछड़ा शाम के समय अपनी माँ को अपने पास ना पाकर रंभाना शुरू कर देता है, उसी तरह से फतीक अपनी माँ को मिस कर रहा था। दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, राइटर इस प्यार को एनिमल इंस्टिंक्ट बताता है, क्योंकि जानवरों में भी प्यार की भावना वैसी ही होती है जैसी इंसानों में होती है। एजिटेटेड द शाई नर्वस लीन अनकूथ अगली बॉय, No one could understand it, but it preyed upon his mind continually. फतीक एक शर्मीला, नर्वस, लीन यानी दुबला पतला, अनकूथ, गंवार और अगली बॉय था औरों के लिए। No one could understand it, कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाता था, but it preyed upon his mind continually, लेकिन ये बात लगातार उसके दिमाग में घूमती रहती थी, यानी कि वो लगातार अपनी माँ को, अपने गाँव को मिस करता रहता था।
देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फतीक। फतीक से ज़्यादा बैकवर्ड लड़का पूरे स्कूल में नहीं था। ही गैप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट वैन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। जब टीचर उससे कोई सवाल पूछते थे तो वो गैप कर देता था, यानी मुँह खोलता था लेकिन जवाब नहीं देता था और चुप हो जाता था। एंड लाइक एन ओवर लेडन एज पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज दैट कम डाउन ऑन हिज बैक। और एक बहुत ज़्यादा लदे हुए गधे की तरह से वो सारी मार सहता था जो उसके पीछे लगती थी, यानी कि जो भी उसे डंडे पड़ते थे उसे वो चुपचाप सह लेता था। When other boys were out of play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses. जब सब बच्चे बाहर खेलते तब वो खिड़की के पास खड़ा हो जाता और दूर घरों की छतों को देखा करता था। And if by chance he espied children playing on the open terrace of any roof, और अगर उसे किसी छत पर बच्चे खेलते हुए दिख जाते थे, his heart would ache with longing, उसके दिल में भी खेलने की इच्छा जागती थी। One day he summoned up all his courage and asked his uncle, "Uncle, when can I go home?" एक दिन उसने अपना पूरा साहस इकट्ठा किया और अपने मामा से पूछा, मामा मैं गाँव कब जाऊँगा, मैं घर कब जाऊँगा। His uncle answered, उसके मामा ने जवाब दिया, Wait till the holidays come, जब तक छुट्टियाँ नहीं होती तब तक इंतज़ार करो। But the holidays would not come till November, लेकिन छुट्टियाँ तो नवंबर तक नहीं होंगी। And there was a long time still to wait, और अभी बहुत लंबा समय था। One day फतीक lost his lesson book, एक दिन फतीक की किताब खो गई। Even with the help of books he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. फतीक के लिए किताबों के साथ भी पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। Now it was impossible, और अब तो असंभव था। Day after day the teacher would cane him unmercifully, हर रोज़ टीचर उसकी डंडे से पिटाई करते, unmercifully यानी निर्दयता के साथ। His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him, उसकी हालत इतनी ज़्यादा दयनीय हो गई थी कि उसके अपने कजिन, उसके अपने जो ममेरे भाई थे, वो भी उस पर शर्मिंदा थे। दे बिगेन टू जियर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों से ज़्यादा उसके अपने कजिन उसका मजाक उड़ाते और उसका अपमान करते थे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, अंत में वो अपनी मामी के पास गया एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, और बताया कि उसकी किताब खो गई है। हिज आंट पज्ड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट, उसकी मामी ने नफ़रत से अपने होठ काटे एंड सैड, और बोली, यू ग्रेट क्लमजी कंट्री लाउट, तुम एक बड़े कंट्री लाउट हो, यानी एक गवार हो, बेवकूफ़ हो। हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माई फैमिली टू बाय यू न्यू बुक्स 5 times a month, क्या इतना बड़ा परिवार है और मैं तुम्हें एक महीने में 5 बार नई किताबें कैसे दिला दूँ। बच्चों आज यहीं तक, इसके बाद कल पढ़ेंगे।